आज हमारे पास है Vivo V27 और Vivo V27 Pro और भाई साहब दिखने के अंदर दोनों बिल्कुल सेम है। अगर हम इधर उधर कर ले तो मुझे खुद को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर V27 कौन सा है और V27 Pro कौन सा है, क्योंकि एकदम डिजाइनिंग जो है दोनों की बिल्कुल सेम है। जो डिस्प्ले वगैरह है बिल्कुल सेम है, पीछे का जो बैक पैनल है वो भी एकदम सेम है। दोनों के अंदर ही आपको कलर चेंज का ऑप्शन मिल जाता है और पीछे आपको दोनों के तीन कैमरा और दोनों के यहाँ पे साइड के अंदर जो यहाँ पे रिंग लाइट है दोनों की बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर दोनों की डिजाइनिंग को हम सेम कह सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। दोनों के अंदर ही आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और दोस्तों कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी आपको दोनों के अंदर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 120Hz रिफ्रेश रेट है तो डिस्प्ले भी एकदम डिट्टो कॉपी है, दोनों की एकदम बिल्कुल सेम है। और पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे वो भी सेम है। दोनों के अंदर आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं जिनसे आप एक हाथ से आसानी चला सकते हो। और दोस्तों दोनों को यहाँ पे पकड़ने के अंदर आसानी होती है और काफी प्रीमियम फील देता है। और दोनों ही एकदम यहाँ पे वेट के अंदर भी सेम है, 180-185 ग्राम का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और एकदम बराबर से लगते हैं इन एंड फील के अंदर। दोनों के ही आप नीचे की तरफ देखोगे स्पीकर मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक है, नीचे आपको सिम स्लॉट भी मिल जाता है जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड डाल सकते हो। और दोस्तों लेफ्ट साइड के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, ऊपर की साइड में आपको वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है। दोनों के यहाँ पे ऊपर लिखा गया है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, तो दोस्तों बिल्कुल सेम है डिजाइनिंग के अंदर भी और डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम है। और जो बैटरी है 4600mAh की वो भी बिल्कुल सेम है। बॉक्स के अंदर देखोगे 66W का चार्जर मिलता है, वो भी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। और दोस्तों अगर कैमरा की बात करूं तो कैमराज भी बिल्कुल सेम मिलते हैं। जो पीछे के तीन कैमरा है, जो मेन कैमरा है 50MP का, और दोस्तों दोनों के अंदर ही आपको OIS मिलता है 8MP का, दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 2MP का दोनों के अंदर मैक्रो मिल जाता है। और जो फ्रंट कैमरा है वो दोनों के अंदर 50MP का मिलता है। तो चलिए मैं कुछ फोटोज यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि यार दोनों के अंदर फोटोज के अंदर कुछ फर्क है या फिर यहाँ पे जो मेगापिक्सल सेम है तो फोटोज भी सेम आती है। तो चलिए मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 4K के अंदर आप 30fps पर दोनों के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए इन दोनों के साथ भी मैं आपको कुछ फोटोज क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं पहले इसके अंदर कर लेता हूँ, ये लीजिए, अब इसके अंदर करते हैं, ये लीजिए, मैं आपको दोनों के यहाँ पे फोटोज दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत फर्क है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों बस एकदम बिल्कुल सेम है फोटो, आप देखोगे एकदम कुछ भी डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड के अंदर पहले इसके अंदर क्लिक करते हैं, ये लीजिए, अब इसके अंदर क्लिक कर लेते हैं, ये लीजिए, अब दोनों के यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कौन सा प्रो है, बस यहाँ पे लिखा आ रहा है देखिए Vivo V27। ये देख सकते हो आप यहाँ पर Vivo V27 लिखा रहा है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे Vivo V27 है। ये देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी लाइट अच्छी है, ये तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कम हुआ है, इसके अंदर थोड़ा ब्लैक ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो लाइट का यहाँ पे इशू हो सकता है। और यहाँ पे फोटो बिल्कुल सेम है दोनों की। तो चलिए मैं आपको एक दो सेल्फी भी लेकर दिखा देता हूँ, पहले इसके अंदर लेते हैं, अब इसके अंदर दिखाता हूँ, तो ये मैं फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। नॉर्मल फोटोज भी ले लेते हैं यहाँ पर, इस लाइट को ले लेते हैं ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि लाइट को कैसे फोकस करते हैं दोनों ही मोबाइल फोन। तो आप ये दोनों फोटोज देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लाइट का थोड़ा बहुत इश्यू, यहाँ पे लाइट अगर कम ज्यादा होती है तो वो यहाँ पे कलर के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है चाहे पोर्ट्रेट के अंदर देखेंगे चाहे आप नॉर्मल फोटोज देखोगे। तो चलिए अब हम पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पे बैक कैमरे से ट्राई करते हैं कि बैक कैमरे से पोर्ट्रेट के अंदर कैसी फोटो आती है। तो आप पोर्ट्रेट के अंदर भी देख सकते हो फोटोज बिल्कुल सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लाइट का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है और दोस्तों यहाँ पे कैमरा के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपने फोटोज देखे होंगे, फोटोज भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाता है। अगर लाइट थोड़ी ज्यादा होती है तो यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कैमरा के अंदर भी मुझे कोई भी यहाँ पे शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों दोनों की बिल्कुल सेम है, चाहे पोर्ट्रेट की बात करूं, चाहे आप नॉर्मल या फिर आप नाइट मोड के अंदर या फिर आउटडोर के अंदर कहीं भी फोटो क्लिक करोगे दोनों के अंदर, मैंने बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक करके देखी है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे फोटो देखने को मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार फिर फर्क किस चीज के अंदर है। दोस्तों फर्क है इसकी प्राइस और इन दोनों के प्रोसेसर के अंदर। तो इन दोनों के अगर प्राइस की बात करूं तो Vivo V27 की प्राइस मिल जाती है 33,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8GB रैम और 128 की जो प्राइस है 33,000 है, जिसके अंदर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और अगर बात करूं Vivo V27 Pro की तो इसकी जो प्राइस है 38,000 और इसके अंदर आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है।
तो प्राइस के अंदर जो गैप है 5,000 रुपए का, और अगर 3,000 का ज्यादा डिस्काउंट मिलता है तो 4,000 रुपए का इसके अंदर गैप है। तो वो किस चीज का है? वो है दोस्तों प्रोसेसर। Vivo V27 के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 7200 और Vivo V27 Pro के अंदर मिल जाता है 8200, यानी कि 1000 यहाँ पे बढ़ाया गया है। और दोस्तों सच कहूं तो यार मुझे तो लगता है यार ये प्रोसेसर वगैरह बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर अलग मॉडल बनाना था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर, और यहाँ पे कोई भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसर बढ़ाया गया है। तो अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो यहाँ पर आप 4,000 रुपए दे सकते हो। और दोस्तों मैं आपके लिए Vivo V27 ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप गेमिंग वगैरह खेलोगे तो सेटिंग्स वगैरह दोनों के अंदर बिल्कुल सेम ही मिलने वाली है, और दोस्तों दोनों ही यहाँ पे 4 nm के अंदर है। तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पे प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। तो अगर आप इन दोनों मोबाइल फोन में से कोई भी मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपके लिए Vivo V27 ही सजेस्ट करूंगा। आप 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मत दीजिए, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो अगर आपका कोई प्लान है तो Vivo V27 चूज कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर लाता ही रहता हूँ। बोलो दोस्तों आपको इन दोनों में से सच बताना कौन सा ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।